साथियों, देश में व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है। बीते 4.5 वर्षों में सैकड़ों नियमों को आसान बनाया गया, पुराने कानूनों को समाप्त किया गया और पारदर्शिता को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है। इन्हीं सबका नतीजा है कि 4 वर्ष पहले जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वें नंबर पर थे, आज 77वीं रैंक पर हम पहुंच चुके हैं। यानी 65 रैंक का रिकॉर्ड जंप, बदलाव। बिजली पानी का कनेक्शन हो, पर्यावरण की क्लियरेंस हो, कंस्ट्रक्शन परमिट हो, ट्रांसपोर्टेशन के नियम हो, करीब करीब हर व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत आसान हुई है। गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी भी देश में एक ईमानदार व्यापार व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पहले जो दर्जनों टैक्स लगते थे, उनको अब एक में ही समेट दिया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला लिया कि अब 40 लाख रुपए टर्नओवर तक, और यहां सारे व्यापारी लोग हैं, उनके काम की बात है, 40 लाख रुपए टर्नओवर तक उन सारे व्यापारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए की थी। साथियों, जीएसटी की व्यवस्था को और सशक्त और सरल करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। आप जैसे व्यापारियों, ग्राहकों के सुझावों पर और अनुभवों के आधार पर निरंतर सुधार की प्रक्रिया चल रही है। भाइयों और बहनों, छोटे और मझोले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत जितना एक्सपोर्ट करता है, उसमें 40 से 45% का योगदान देश के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमियों का होता है। आप जैसे उद्यमियों का, उनको और मजबूत करने के लिए सरकार छोटे छोटे उत्पादों के एक्सपोर्ट पर भी बल दे रही है। एक बहुत बड़ा बाजार भारत के बाहर भी हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है। वो ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सके, भारत की बढ़ती साख का फायदा उठा सके, इसके लिए केंद्र सरकार छोटे उद्यमियों की हर संभव मदद कर रहा है। सरकार ने 2-2.5 महीने पहले ही निर्णय लिया है कि जीएसटी पंजीकृत हर एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक के नए कर्ज या इंक्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। विशेषकर अपने एक्सपोर्टर भाइयों बहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यातकों को प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट की अवधि में जो लोन मिलता है, उसकी ब्याज की दर में छूट को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में भी सरकार ने छोटे उद्योगों से जुड़े एक और अहम फैसला लिया है। इस फैसले से टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, मशीनरी से जुड़े छोटे उद्यमियों को बहुत लाभ होगा। साथियों, प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपए क्रेडिट में जो ब्याज की राहत दी जाती थी, उसका लाभ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े उद्यमों को ही मिलता था। बहुत दिनों से मांग हो रही थी इसमें
मर्चेंट एक्सपोर्टर्स उनको भी जोड़ा जाए जिनकी एमएसएमई सेक्टर में बड़ी भूमिका है। दो हफ्ता पहले सरकार ने ये मांग मान ली है और इसका बहुत बड़ा फायदा एक्सपोर्ट से जुड़े छोटे छोटे कारोबारियों को होने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 600 करोड़ रुपए का लाभ ये एक्सपोर्ट करने वाले छोटे कारोबारियों को मिलेगा।